अस्सलाम वालेकुम जी, एस एम के इंफरटेनमेंट के साथ में हूँ शायद महबूबकर लाल। मौजूदा हालात के तनाजुर में मैंने सोचा कि पैगाम अपने सियासतदानों, आवाम, ब्यूरोक्रेसी और सब के नाम देना चाह रहा था। उससे पहले कुछ आपको वीडियोस और तस्वीर दिखाना चाहूँगा। दाऊ गोरा तबाही दा तबाही तबाही क्यामत दा क्यामत। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या पाक परवरदिगार, या अल्लाह, या अल्लाह तबाही दा तब। जो मस्जिद थी बिलाल मस्जिद, तीन मंजिला मस्जिद, वो भी नजर नहीं आ रही। यहाँ पे एक मस्जिद शहीद हो चुकी है, इसके साथ साथ यहाँ पे मार्केट थी, वो भी मुकम्मल सैलाब में बह गए हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं इस एरिया में तकरीबन 25-30 मकानात, वो भी सैलाब की नज़र हो चुके हैं। यहाँ से ये बहरीन बाजार आधा हिस्सा इस जगह से आगे मुकम्मल जो बहरीन है वो मुकम्मल सैलाब में बह चुका है, कुछ भी नजर। आपने देखा जी, ये बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों की वजह से जो हालात पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो ये मैं अपनी ब्यूरोक्रेसी, अपनी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, मौजूदा हुक्मरानों, सबका हुक्मरानों को ये मैसेज देना मैंने मुनासिब समझा, आवाम को, कि खुदारा खुदारा कुर्सी कुर्सी की खेलना बंद करें। तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालाए ताक होकर अभी आपके मुल्क में आपकी आवाम को आपकी ज़रूरत है, और आपको इस आवाम के लिए कुछ करना है। लोगों को भी यारो मददगार मत छोड़ें, लोगों की मदद करें। लोगों को शेल्टर की ज़रूरत है, लोगों को खाने की ज़रूरत है, लोगों को रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा हर उस जगह पे पहुंचा जाए जहाँ पे लोगों को मदद की ज़रूरत है। अपने आप को इंटरनेशनल लीडर समझने या कहने से कोई लीडर नहीं बनता, बल्कि लीडरशिप क्वालिटीज़ ये हैं कि आपको जहाँ आवाम को आपकी ज़रूरत है वहाँ पर आप पहुँचें और उनके लिए कुछ करें। अभी पंजाब डूब रहा है, बलूचिस्तान डूब रहा है, सिंध डूब रहा है, KPK डूब रहा है, और आप लोग अपनी कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। आप लोगों को अपनी कुर्सी की परवाह है, आप लोगों को इस आवाम की परवाह नहीं है। इस आवाम के वोट से आप जाकर ये आसाइशें लेते हैं, इस आवाम के टैक्सेस के पैसों से आपको ये आसाइशें मिलती हैं, और आज आप इस आवाम को भैयारों मददगार छोड़ेंगे तो कल आपके साथ भी बुरा होगा। अवाम नास से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा पार्टियों से बालाए ताक होकर सोचें, अपने इर्द गिर्द देखें, जहाँ पे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है वहाँ पे आप लोग पहुँचें, लोगों की मदद करें, लोगों को रेस्क्यू करें, लोगों को खाने पीने का सामान पहुँचाएँ, किसी को अगर शेल्टर की ज़रूरत है उसे शेल्टर प्रोवाइड किया जाए। और ये हमें एक कौम बन के सोचना होगा, हमें पार्टीबाजी से बाहर निकलना होगा, हमें पार्टियों से बालाए ताक होकर सोचना होगा। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप और सब लोगों को लोगों की मदद के लिए पहुंचना चाहिए, और लोगों को भी यारों मददगार ना छोड़ें। खुदारा आप सब से ये अपील है कि लोगों को भी यारों मददगार ना छोड़ें, लोगों की मदद करें, ताकि हम अपने इस मुल्क को, मुल्क के अवाम को बचा सकें, इस अवाम को जो आपकी ज़रूरत है और इस आवाम के साथ खड़े हों। खुदारा आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि लोगों की मदद के लिए पहुँचें और लोगों की मदद करें। शुक्रिया जी।